मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मॉर्निंग में भाग दो रेलवे सामान्य अध्ययन इसी बुक का मैंने अपलोड करा और 23 लाइक मिले। उसमें केवल दो बच्चों ने मुझे ये कमेंट्स करे कि सर वॉइस क्लियर नहीं है। जब मैंने उसको सुना देखा रियल में वॉइस क्लियर नहीं थी। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लाइक ना करें, पहले वीडियो को ढंग से वॉच करें अगर आपको लगता है कि वॉइस क्वालिटी सही है, ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, तो उसके बाद ही आप लाइक करें। ये ब्लाइंड आप फेथ ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे मुझ पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो प्लीज़ ब्लाइंड फेथ करना बंद करें। ये 23 लाइक जो मुझको उस वीडियो में मिले वो किस बिहाफ पे मिले, मुझे कुछ ज़रा समझाइए आप। और काफ़ी बच्चों ने मुझे ये भी कमेंट्स करे कि सर इसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, रियल में इस बुक के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। नाम मुझे मुझको अभी ध्यान नहीं है कि ये बात किसने कही थी, लेकिन रियल में ये बुक काफ़ी औसम है, ठीक है। इस बुक को जितने स्टार मिले उतना कम, मेरी ओर से इस बुक को मिलते हैं 5 to 5 स्टार। देखिए इस बुक में मैं जो कवर करने जा रहा हूँ, अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें मैं कवर करूँगा एक परिचय, जनगणना और सौरमंडल। ये तीन टॉपिक में से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो भी होंगे, जो आपके रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, केवल वही कवर करूंगा। अगर आप इस पूरी बुक के एक एक पेज को एक एक लाइन को ढंग से पढ़ सकते हैं और उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसमें से कोई भी लाइन आप स्किप मत करिए। अगर आप एक हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस रियल में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में जाने से पहले आपको इतने क्वेश्चंस कम से कम पता होने चाहिए। और रही बात रेलवे के जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट या एस्पिरेंट, उनके लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है वो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चंस आपसे ये पूछ लेता है भारत से संबंधित कि जो भारत की जो आकृति है वो किस प्रकार की आकृति होती है। अगर हम यहाँ पर मैप उठा के देखें, अगर आपके पास में मैप है, अगर आप मैप को ओपन करते हैं तो मैप में आप देखेंगे कि इसकी जो आकृति है भारत की वो कुछ प्लस आकार की है। जो आप देखते हैं ना जो क्रिश्चियंस का जो सिंबल होता है ईसा मसीह वाला, प्लस में थोड़ा ऊपर की तरफ को प्लस, तो इसी तरीके से हमको आकृति लगती है। लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शंस ये नहीं देगा, वहाँ पे आपको देगा ऑप्शंस चतुष्कोणीय। तो भारत की आकृति किस प्रकार की है, तो ये है आपका चतुष्कोणीय। और बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसके कैपिटल क्या है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये कैपिटल जो बनी थी उसके पीछे छोटी सी कहानी है, बिल्कुल छोटी सी, चिन्नक सी इसको बोलते हैं। देखिए 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था दिल्ली के अंदर। तो जॉर्ज पंचम 1911 में आए थे, उनको दिल्ली इतनी अच्छी लगी, यहाँ की साफ़ सफाई इतनी अच्छी लगी, यहाँ का वेदर इतना अच्छा लगा, क्योंकि वह उस टाइम पे एक्चुअली दिल्ली काफ़ी खूबसूरत थी, आज भी खूबसूरत है, लेकिन उस समय बहुत अधिक थी। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब जो होगा जो भारत की राजधानी जो होगी वो अब से दिल्ली होगी। तो ये जो अनाउंसमेंट करा था, ये हुआ था दिल्ली दरबार में, और किसने करा था, ये करा था जॉर्ज पंचम ने। और एक साल बाद 1912 में जब ये राजधानी बनी, तब उस टाइम पे लॉर्ड कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था हार्डिंग। राइट, आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड में स्थान जो है भारत का कौन सा है। देखिए पोजीशंस या तो एरिया वाइज होगी या फिर जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो है 7वां। अगर बात करी जाए जनसंख्या के बारे में तो ये है पोजिशन हमारी 2। अब देखिए मैप थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास में मैप है तो बहुत अच्छी बात है, बस थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, तुरंत उठा के लाइए मैप, और उसमें देखिए उत्तर कहाँ पड़ता है, पश्चिम कहाँ पर है, पूर्व कहाँ पर है, दक्षिण कहाँ पर है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ये, आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप एक प्लस साइन लगाएं, प्लस करें, तो ये एरिया पूर्व, ये पश्चिम, उ से उत्तर, दा से दक्षिण, ठीक है, नीचे का एरिया पड़ता है दक्षिण। अभी हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे अगर हम मैप में जाते हैं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है। भारत के मैप को अगर हम देखें, ऊपर मतलब जम्मू कश्मीर का जो टॉप जो पॉइंट है वहाँ से लेकर के नीचे श्रीलंका की साइड में, मतलब नीचे कन्याकुमारी जो हम जाते हैं, तो वहाँ तक की लंबाई में इसकी लेंथ कितनी है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है, तो वो है आपका
3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम मतलब यहाँ से यहाँ की बात करी जाए मैप में, देखेंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से इसकी जो लंबाई है टोटल वो है आपकी 2933 किलोमीटर। जो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जिस तरह से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप भी अपनी बुक को उसी तरह से हाईलाइट करें। रेलवे के लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका ये है कि इस बुक का परचेस कर लीजिए। इस बुक का रेट आई थिंक, सो मैंने इसको स्कैन तो करा बट मैंने इसका रेट नहीं देखा, 120 130 के आसपास ये बुक का रेट है। आप मार्केट से जाके परचेस करके इसको ला सकते हैं, मेरे वीडियो को देखेंगे, हाईलाइट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप इसको, इन सभी क्वेश्चन को कहीं पर पेन डाउन करें और टाइम टू टाइम उसका रिविजन करें। ऑनलाइन परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका आपको लिंक दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी परचेस कर सकते हैं एज यू विश, कंडीशन अप्लाई, जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से परचेस करिए। बढ़ते हैं आगे कि सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं। भारत का जो सबसे ऊपरी जो भाग है जहाँ पे वो जम्मू कश्मीर वाला दिखाई देता है, तो टॉप का सबसे उत्तरी बिंदु को हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। अगर हम जाते हैं दक्षिण की ओर तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है वो होता है इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। जो कहाँ पड़ता है वो पड़ता है निकोबार द्वीप समूह में। अब देखिए पश्चिम बिंदु और पूर्वी बिंदु आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है और आप इसको याद कर सकते हैं, याद करने में भी कोई बुराई नहीं है। कभी कभी अगर एग्जाम में आपके ग्रह बहुत ज्यादा ही खराब हैं तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन सबसे पूछ ले कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिम बिंदु क्या है। इनका जो अभी प्रायोरिटी है बहुत कम है तो मैंने इसको इसलिए हाईलाइट नहीं करा है, लेकिन फिर भी रिस्क मत लीजिए, इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट में कि लक्षद्वीपों में, जो लक्षद्वीप है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 36। और भारतीय मानक समय सॉरी कितना पूर्वी देशांतर में है, तो ये है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और जो इलाहाबाद के नैनी में मतलब इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। अब हम बात करते हैं, देखिए 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो यह है 5 राज्य। अगर हम बात करें कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा अभी आप रुक जाइए, उसके बारे में नीचे क्वेश्चन सभी कुछ टाइम बाद आने वाला है। देखिए अब हम बात करते हैं कि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच टाइम जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, अंतर कितना होता है, तो ये होता है 5.5 घंटे प्लस, मतलब आगे, आगे का मतलब प्लस, पीछे का मतलब माइनस। अगर आप कभी भी अपने कंप्यूटर पे टाइम सेट करते हैं या मोबाइल पे टाइम सेट करते हैं तो उसमें लिखा आता है, जब ड्रैग करते हैं तो प्लस के 5:30 लिखा आता है, तो 5:30 का मतलब ये कि अभी राइट नाउ जो भारत के टाइम की पोजिशन है वो है प्लस के 5:30। राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 29 है। और बात करें केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है 7। राज्यों की संख्या मैक्सिमम बच्चों को पता होती है, लेकिन अगर बात करें केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है तो वहां बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो लगा के आते हैं एग्जाम में अपना 5, जबकि ऐसा नहीं है, टोटल है 7। तो एग्जाम में आपको आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करते हैं आगे कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जो मैक्सिमम अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, टच करता है, ठीक है, या फिर मैं आपसे बोलूं धप्पा करता है, ठीक है, आप खेलते हो ना खो खो पहले बचपन में, तो धप्पा करता है मतलब टच करता है, ये है आपका उत्तर प्रदेश, तो यह है आपका 8 राज्यों को ये स्पर्श करता है। तो एग्जाम में आपको धप्पा वर्ड नहीं बोलेगा, ये तो मैंने जस्ट ऐसे यूज करा है, आप सही धप्पा याद करके बैठ जाओ, एग्जाम में धप्पा नहीं बोला उसने, बोल दिया स्पर्श, तो आप क्वेश्चन अपना गलत लगा गया हो, तो ऐसा मत करना। अब हम बात करते हैं कि समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 9। और भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो बिल्कुल सेंटर से एक लाइन जाती है, एक तो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर इसको प्रेजेंट करता है मैप कभी कभी डॉट 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 लाइनिंग, तो इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो वो जाती है आपकी 8 राज्यों से, ये या आप याद रखना। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 8 राज्य हैं आपका गुजरात, देखिए मैप में गुजरात कहाँ पड़ता है, गुजरात के थोड़े से बगल में आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश, मतलब ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पे मैक्सिमम क्या होते हैं वन पाए जाते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम भी है जिसको बोलते हैं सोया देश, सोया का मतलब स्लीपिंग से नहीं है, सोया का मतलब है सोयाबीन, मैक्सिमम सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो होता है मध्य प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो वो है आपका अरावली, जो कहाँ पड़ता है वो पड़ता है राजस्थान में। बस इसमें फिलहाल इतना ही, भारत का एक परिचय, काफी छोटा परिचय था लेकिन इम्पोर्टेंट परिचय था। अब हम बात करते हैं आपसे जनगणना के बारे में, 2011 की जनगणना क्या क्या कहती है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में
बन सकते हैं। देखिए, भारत में पहली जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1872 में। उस टाइम पे लॉर्ड कौन थे, वो थे मेयो। उनका नाम याद रखना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। फिर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र मतलब जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद में, तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1951 में। और जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको बोलते हैं, 1921 को। और जिस दिन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी उसको बोलते हैं लघु विभाजक वर्ष, मतलब 1951। दोनों आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम सेम से हैं, लेकिन महाविभाजक होता है आपका 1921। अब हम बात करते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी। जनगणना एक्चुअली कितने वर्ष के बाद में होती है, 10-10 वर्षों के बाद में होती है जनगणना। और जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। सॉरी, आप याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफी। और 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है, अगर बात करी जाए देश की जो कुल जनगणना थी ये थी 15वीं, अगर बात करी जाए आज़ादी के बाद ये संख्या क्या थी, जनगणना का क्रम क्या था, तो वो था आपका 7वां। जनगणना का शुभंकर था आपका प्रांगणक शिक्षिका। पहली बार जाति आधारित जनसंख्या जो हुई थी, जनगणना जो हुई थी, वो हुई थी 1931 में। फिर हम बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, और कुल जनसंख्या 121 करोड़ अभी काउंट करी गई है। देखिए, ये क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपके कोई चाचा, मौसा, ताऊ, फूफा कोई भी आपस में आके आपके सामने टकरा जाता है, आप बोलते हैं कि जी मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, और आपसे पूछे कि बताओ बेटा भारत की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर आपके चारों खाने चित, तो बड़ा अजीब लगता है अपने आप पे कि यार मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इतना ही पता जनसंख्या क्या चल रही है, या फिर जनगणना कौन से नंबर की थी, ये उत्तरी पॉइंट को क्या बोलते हैं, दक्षिण बिंदु को बोलते क्या है। तो ये रियल में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, कि भारत में जो भारत के जितने भी लोग रहते हैं वो विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट है। अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या जो भी रहती है तो कितना परसेंट भाग हमारे इंडिया में निवास करता है, तो वो है आपका 17.5। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं। तो अगर 1000 पुरुष हैं तो मात्र उसमें महिलाएं हैं 943। तो ये आंकड़ा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं आपसे अभी बात मैं रेलवे की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो SSC का MTS का एग्जाम हो, LDC का एग्जाम हो, या फिर कोई स्टेट PCS का, GS पेपर 1 ही क्यों ना हो, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसको प्लीज़ आप पेन डाउन मत करिएगा कहीं पर, इसको तुरंत अपने माइंड में परमानेंट मार्कर से कहीं लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का है, कौन से राज्य का, तो ये है आपका केरल का लिंग अनुपात। मतलब कि यहाँ पे 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और केरल की एक खास बात और है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं। सर्वाधिक साक्षरता अगर स्केल देखा जाए तो वो आपको मिलेगा केरल के अंदर। अगर बात करी जाए न्यूनतम लिंगानुपात, तो वह है आपका हरियाणा का 879। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश का, कितना, 17। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और न्यूनतम जनसंख्या जो है आपकी सिक्किम की। अब हम बात करते हैं कि अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका थाने। थाने कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और अधिक जिलों वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, कितना, 75। अब बढ़ते हैं हम लोग सौर मंडल की ओर। जी हाँ, यात्रा करते हैं सौर मंडल की। अगर बात करी जाए सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कोपरनिक्स। और सौर मंडल में कुल ग्रह की संख्या कितनी है, तो वो है आपके 8, सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह। जो बड़ा होगा वो क्या होगा, भारी ग्रह होगा, कॉमन सी बात है। तो इस ग्रह का नाम है आपका बृहस्पति। फिर हम बात करते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक, निकट, निकटतम, नज़दीक, कुछ भी आपसे वो शब्द यूज़ कर सकता है एग्जाम के क्वेश्चंस में आपके, तो वो है आपका बुध। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं, तो वो है आपके शुक्र एवं मंगल। और पृथ्वी का निकटतम तारा है आपका सूर्य। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वो है आपका वरुण, और बिना उपग्रह वाला ग्रह है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं अगर बात करी जाएगा, तो वो है आपका बृहस्पति। याद रखना वो क्या है आपका, ये है आपका बृहस्पति। फिर हम बात करते हैं लेटा हुआ ग्रह। अगर आप सौर मंडल का अगर आप मैप ओपन करते हैं, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड है तो ये इमेज आपके पास पक्का होगी, उसको ओपन करिए। लेटा हुआ ग्रह जो है वो है आपका अरुण, और इसमें सर्वाधिक गैसें इसमें घिरी हुई हैं।
अरुण में। फिर हम बात करते हैं, देखिए सबसे छोटा उपग्रह वो है डिमोस, और फोबोस और डिमोस एक उपग्रह है कौन से ग्रह के, तो वो है आपका मंगल। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अब इसको आप किस तरह से याद करेंगे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। टाइटन जो जहाज डूबा था, कब डूबा था, 1912 में, ठीक है, ये वर्ष आपको याद होगा। टाइटन पर शनि मंडरा गया था इसलिए वो डूब गया। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा लॉजिक बना करके इसको याद कर सकते हैं। और सौरमंडल से संबंधित अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप लुसेंट जी के सामान्य अध्ययन की बुक में आपको मिल जाएगा, बुक से आप स्टडी करिए। अदरवाइज उस बुक के कंप्लीट वीडियो, इसी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइए, लुसेंट जी के वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पे पूरी बुक कंप्लीट कर दी है हम लोगों ने, इस तरह से हाईलाइट करा गया है। उस वीडियो को देखिए, अपनी बुक को हाईलाइट करिए, अपनी बुक से डायरेक्ट फिर आप रिविजन करिए। आई थिंक आपको इसके बारे में पता होगा, तो मैं ज़्यादा इसका बखान नहीं करूँगा, वरना कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं वो शायद इसीलिए बैठे होते हैं कि कब मेरी जबान फिसले और कब वो कमेंट्स करें। फिर किया प्रचार उन्नति कंपटीशन क्लासेस के टीचर ने अपनी नई प्लेलिस्ट का, जी हाँ करते हैं ऐसा कुछ लोग। अब हम बात करते हैं, देखिए सर्वाधिक चमकीला तारा है आपका साइरस, इसको बोलते हैं डॉग स्टार। सूर्य का बाहरतम जो परत है वो है क्रीट कोरोना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिक स्थलीय, और पृथ्वी द्वारा सूर्य की प्रक्रिया में परिक्रमा में टोटल समय कितना लगता है, तो वो लगता है 365 days and 6 hours। अब हम बात करते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर, तो ये है आपके चंद्रमा पर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और अब करें इस वीडियो को लाइक अगर पसंद आया हो तो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक आप शेयर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो भी आप नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं उसके माध्यम से शेयर करें। लेकिन शेयर उसी को करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसे शेयर मत करना जो MBBS की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। जिसके लिए यूज़फुल हो उसको शेयर करिए। जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में आपको। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप बुक परचेज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ बुक को परचेज़ ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।